हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन, एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी मान के चलिए आप 15 से 18 तक क्वेश्चन हर साल नीट में आपको मिलते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है जूलॉजी का, जिसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। सबसे पहले बात करते हैं अपन डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन, क्या है डाइजेशन? देखिए, फूड के जो लार्ज पार्टिकल्स को सिंपल और डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में या फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करना, तोड़ना ही क्या है, डाइजेशन है। यानी फूड के बड़े लार्ज और जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं उनको फाइन और डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में बदलना क्या है, डाइजेशन। डाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। पाचन पाचन तंत्र में संपन्न होता है कौन से विधि के द्वारा, या तो मैकेनिकल यांत्रिक विधि के द्वारा या जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा, बायोकेमिकल एक्शंस द्वारा। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रिशंस की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो या तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉप्स, या फिर है हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स, एंड हेटरोट्रॉप्स दे डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सच एज अपन बोल सकते हैं हर्बीवोरीज, कार्निवोरीज, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, डिफरेंट टाइप के हेटरोट्रॉप्स हैं। लेकिन बात करते हैं अपन न्यूट्रिएंट्स क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो यहां देखते हैं अपन न्यूट्रिएंट्स, ऑल दोज सब्सटेंसेस which provide energy and also essential for healthy growth and development of body. All those substances which provide energy to us and also essential for healthy growth and development. वे सभी पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ ये हमारे शरीर की स्वस्थ वृद्धि और परिवर्धन के लिए आवश्यक हैं, ऐसे सभी पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। न्यूट्रिएंट्स है ये कार्बनिक पदार्थ भी है
अकार्बनिक पदार्थ भी है, इट मीन दे मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यहां पर अपन देखते हैं द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एटसेट्रा। जो मैं मुख्य जो पोषक पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं। विटामिन्स हैं और वाटर। अब इनमें अपन बात करें कि देखें कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर मैक्रोबायोमोलिक्यूल एंड मिनरल्स विटामिन्स एंड वाटर दे आर माइक्रो मोलिक्यूल्स। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे। तो यहां पर देखेंगे अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स लिपिड्स एंड विटामिन्स दे आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। मिनरल्स एंड वाटर दे आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब बात कर रहे थे अपन मैक्रोमोलिक्यूल्स की, तो यहां पर देखेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर मैक्रोबायोमोलिक्यूल। दे आर मैक्रोबायोमोलिक्यूल, बड़े मोलिक्यूल्स हैं। दे आर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड। ये हमारे भोजन के मुख्य घटक भी हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जहां पर अपन मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दे आर मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े अणु हैं, एंड दे आर प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ फूड, ये हमारे भोजन के मुख्य घटक भी हैं। एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मिनरल्स विटामिन्स एंड वाटर दे आर माइक्रोमोलिक्यूल एंड दे आर प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड, भोजन के सुरक्षात्मक घटक है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अस, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट
their deficiency cause various diseases and और डिसऑर्डर्स। देखिए यहां पर मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, माइक्रोमोलिक्यूल्स, दे आर प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फूड। ये हमारे भोजन के सुरक्षात्मक घटक है। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अस, हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, बट देयर डेफिशिएंसी कॉज वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर, यानी इनकी अगर शरीर में कमी होती है तो बहुत सारे रोग और अनियमितताएं आ जाती हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ दीज मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, तो यहां पर अपन देखते हैं कि इनका रोल क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मिनरल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ बॉडी सच एज द बोन्स, टीथ आर फॉर्म्ड बाय मिनरल्स, यानी इनके कंपोनेंट मिनरल्स हैं, टीथ हैं, बोन्स हैं। इसके अलावा डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सोडियम एंड पोटेशियम आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, कैल्शियम इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। इट मीन्स दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी, दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बॉडी। अगर बात करें अपन विटामिन्स, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तीसरी बात करें अपन वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो यहां पर देखिए मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर, दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू अस, बट दे आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ देम दिस दे कॉज वेरियस डिजीज एंड डिसऑर्डर्स सच एज मिनरल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, ये शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक घटक हैं। दे इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड बॉडी, विटामिन्स हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। वाटर इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में वाटर एसेंशियल होगा एंड इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डिहाइड्रेशन, और हमें ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, शरीर में वाटर की कमी से भी बचाता है। तो दे आर माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। द मैक्रोमोलिक्यूल्स और प्रॉक्सिमेट कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड एनर्जी टू अस, बट हाउ मनी एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो यहां पर अपन देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू में नंबर फर्स्ट पर अपन देखते हैं जीसीवी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लिमिटेड बाय कंप्लीट कंबिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन कैलोरी मीटर इज कॉल्ड जीसीवी। 1 ग्राम भोजन को कैलोरी मीटर में जलाने पर जितनी एनर्जी या जितनी हीट लिबरेट होती है उसको अपन कहेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। कॉपर से बना हुआ कवर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमीटर, अगर कैलोरीमीटर में 1 ग्राम फूड, चाहे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे 1 ग्राम प्रोटीन हो, चाहे 1 ग्राम लिपिड हो, उसको कंप्लीटली अपन जलाते हैं तो जो हीट या एनर्जी लिबरेट होती है उसको अपन कहेंगे जीसीवी यानी कैलोरीफिक, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। पीसीवी, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लिबरेटेड बाई 1 ग्राम ऑफ फूड बाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। अगर 1 ग्राम फूड का हमारी बॉडी में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो जितनी एनर्जी बॉडी को मिलती है उसको अपन कहेंगे फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू आर डिफर टू ईच अदर, दोनों में डिफरेंट है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। पीसीवी मीन्स 1 ग्राम फूड का जब हमारी बॉडी में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उसको अपन क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के लिए जीसीवी और पीसीवी वैल्यू देखते हैं अपन। देखो पहले देखते अपन फूड जीसीबी एंड पीसीबी। फूड में हो सकता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम लिपिड। अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो इसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होगी 4.1 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी क्या है, देखिए 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको अपन कहेंगे किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की जीसीवी कितनी है, 4.1 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो आगे 5.65 किलो कैलोरी।
अगर 1 ग्राम लिपिड है तो 9.45 किलो कैलोरी, ये तो है इनकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और एक्चुअल में हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 4.0 किलो कैलोरी, यहाँ पर भी 4.0 किलो कैलोरी और यहाँ पर 9.0 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हमारे फूड में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो कितनी, 4 किलो कैलोरी। और अगर 1 ग्राम लिपिड है तो कितनी मिलेगी, 9 किलो कैलोरी। इसका मतलब लिपिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के कंपेयर में लगभग डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 9 किलो कैलोरी। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे हमें एक फूड दिया गया है और फूड के कंटेंट है 6 ग्राम शुगर, 4 ग्राम कैसीन, 5 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, 15 ग्राम मिनरल्स, 10 ग्राम विटामिन्स, 100 ml वाटर। तो हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू अवर बॉडी बाय दिस फूड। अगर हमें एक फूड दिया गया है, उस फूड में है 6 ग्राम शुगर, 4 ग्राम कैसीन, 5 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, 50 ग्राम मिनरल्स, 10 ग्राम विटामिन्स एंड 100 ml वाटर। तो इस फूड के द्वारा हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी मिलेगी। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, यहाँ पर अपने को ध्यान में क्या रखना है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहां आप देखेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो प्रोटीन, या फिर लिपिड। इसका मतलब शुगर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, केसिन मिल्क प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मस्टर्ड ऑयल यानी लिपिड एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, विटामिन्स नो एंड वाटर नो। तो इसका मतलब अपने को इनकी कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो क्या जाएगा, 6 × 4 = 24 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, 4 ग्राम ऑफ कैसीन मीन्स प्रोटीन, इसका मतलब क्या हो गया, 4 × 4 = 16 किलो कैलोरी। 5 ग्राम ऑयल इट मीन्स लिपिड तो क्या हुआ, 5 × 9 = 45 किलो कैलोरी। 85 किलो कैलोरी एनर्जी अपनी बॉडी को मिलेगी। ठीक है, अगर हमारे फूड के कंटेंट ये है 6 ग्राम ऑफ शुगर, 4 ग्राम ऑफ कैसीन, 5 ग्राम ऑफ ऑयल, तो हमारी बॉडी को कुल एनर्जी कितनी प्रोवाइड होगी, 85 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो अपने को यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि फूड की एक्चुअल में फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, और फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स 1 ग्राम फूड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको अपन बोलते हैं PCV, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू, जो कार्बोहाइड्रेट के लिए है 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन्स के लिए है 4 किलो कैलोरी और लिपिड्स के लिए है 9 किलो कैलोरी। ठीक है,
अब अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम तो देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंसिस्ट विद एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एलिमेंट्री कैनाल। इट इज एक्टोएंडोडर्मल इन ओरिजिन। उत्पत्ति कैसी है? एक्टोएंडोडर्मल यानी इनके दोनों टिप एक्टोडर्मल इन ओरिजिन और जो मिडिल पार्ट है वो क्या है? एंडोडर्मल इन ओरिजिन। देखिए, हर्बीवोरिस हैव कंपैरेटिवली लार्ज एलिमेंट्री कैनाल और लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल एज कंपेयर टू कार्निवोरिस। यानी शाकाहारी जीवों की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मांसाहारी जीवों की अपेक्षा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जो फूड है, हर्बीवोरिस जो फूड है, उसका डाइजेशन क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ऐसे फूड को लंबे समय तक एलिमेंट्री कैनाल में स्टे करना पड़ता है। तो जो हर्बीवोरिस है उनकी एलिमेंट्री कैनाल कार्निवोरिस की अपेक्षा क्या होती है? लॉन्ग होती है। तो अपन यहां कहेंगे ह्यूमन हैव लॉन्ग अबाउट 6 to 9 meters। ह्यूमन हैव लॉन्ग एंड कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्ग एंड कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल विच एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। मानव में भी एक लंबी और कुंडलित एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से लेकर के एनएस तक फैली रहती है। अगर इसके डिफरेंट पार्ट्स को अपन देखें एलिमेंट्री कैनाल के, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे माउथ। इट इज द स्लिट लाइक ओपनिंग सराउंडेड बाय टू मूवेबल लिप्स। जो माउथ की ओपनिंग है दोनों मूवेबल लिप्स से घिरी हुई है। द मसल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ लिप्स आर आर्बिकुलरी ओरिस। ऐसी कौन सी मसल है लिप्स के लिए? आर्बिकुलरी ओरिस। द आउटर स्किन ऑफ लिप्स इज हेरी एंड इनर सरफेस हैव सीरस ग्लैंड्स विच मेक लुब्रिकेट देम। बाहरी सरफेस तो हेरी है और इनर सरफेस भी क्या है? सीरस ग्लैंड्स है जो इनको लुब्रिकेट बनाए रखती हैं। तो माउथ मूवेबल लिप्स से घिरा हुआ है एंड इट लीड्स इनटू बकल कैविटी। और ओरल कैविटी इट इज सराउंडेड बाय टू जॉज, द अपर जॉ किससे बना है? मैक्सिला बोन से। द अपर जॉ इज फिक्स्ड एंड लोअर जॉ कौन सी बोन से? मैंडिबल बोन से इज मूवेबल। तो देखें, बकल कैविटी और ओरल कैविटी इज सराउंडेड बाय टू जॉज, द अपर जॉ इज फिक्स्ड एंड लोअर जॉ इज मूवेबल। अब देखें, अपर जॉ कौन सी बोन से बना है? मैक्सिला बोन से। और लोअर जॉ कौन सी बोन से बना है? मैंडिबुलर बोन से। तो देखें, हमारे जो स्कल का ये जो पार्ट है, द स्कल हैव
29 bones. Out of them, single bone, only single bone, mandible is movable, which form our lower jaw. यानी इस पार्ट में केवल एक मैंडिबल बोन है जो मूवेबल है और ये हमारे लोअर जॉ को बना रही है. तो यहां पर बात की अपने बकल कैविटी की. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन बकल कैविटी सच एज, अपन बात करें तो पैलेट, टंग, टीथ, ऑल दे आर लोकेटेड और प्रेजेंट इन ओरल कैविटी. जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं पैलेट. पैलेट पैलेट इट फॉर्म रूफ ऑफ बकल कैविटी. इट फॉर्म रूफ ऑफ बकल कैविटी. नेक्स्ट द एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट बिकॉज इट कंसिस्ट विद मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स. पैलेट का जो इंटीरियर पार्ट जिसको अपन कहेंगे हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट इज कंसिस्ट विद मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट इज कंसिस्ट विद कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स. तो पोस्टीरियर पार्ट को अपने क्या कहा सॉफ्ट पैलेट और एंटीरियर पार्ट को क्या कहा हार्ड पैलेट. इट सिचुएटेड एट द रूफ ऑफ द बकल कैविटी एंड इट सेपरेट्स द बकल कैविटी It separates the buccal cavity from respiratory passages. ये हमारे या nasal passages बोल सकते हैं जो हमारे नासा मार्ग nasal passages को buccal cavity से separate करता है. There are transverse folds are present on the surface of hard palate. हार्ड पैलेट की सरफेस पर इस तरह से ट्रांसवर्स फोल्ड है. दे आर कॉल्ड पैलेटाइन रिजेस, कॉल्ड पैलेटाइन रिजेस. द पैलेटाइन रिजेस आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरिस एंड प्रिवेंट द स्लिप आउट ऑफ फूड फ्रॉम बकल कैविटी. यानी ये जो पैलेटाइन रिज है वो मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित प्रकार के होते हैं जो उनके फूड को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और फूड को बकल कैविटी से बाहर निकलने से रोकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे एट द एंड ऑफ सॉफ्ट पैलेट ए फिंगर लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. पोस्टीरियर पार्ट में ऊपर की तरफ एक अंगुली के समान लटकती हुई संरचना हैंगिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड यूवला. इसको अपन क्या कहेंगे यूवला. आइदर साइड ऑफ यूवला यानी यूवला के प्रत्येक और ग्रुप ऑफ lymphocytes is present. It is called palatine tonsil. Palatine tonsils. तो यहां पर अपन देखेंगे अपने बात की तालू या पैलेट की जो बकल कैविटी की रूफ बना रहा है और बकल कैविटी को हमारे नासा मार्ग यानी नेजल पैसेज से सेपरेट कर रहा है
इसके एंटीरियर पार्ट को कहा अपने हार्ड पैलेट जो मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना है, पोस्टर पार्ट को कहा सॉफ्ट पैलेट जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल से बना है, और यहाँ पर आपको बता दिया कि एंटीरियर पार्ट यानी हार्ड पैलेट पर जो ट्रांसवर्स फोल्ड है उनको अपन कहेंगे पैलेटाइन रिजेज, और पैलेटाइन रिजेज आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरिस एंड प्रिवेंट्स स्लिप आउट द फूड फ्रॉम बकल कैविटी। एंड बात करेंगे अपन सॉफ्ट पैलेट की, तो सॉफ्ट पैलेट के पोस्टर पार्ट में एक फिंगर लाइक जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं यूवला, और यूवला के प्रत्येक और लिम्फोसाइट्स के ग्रुप हैं जिनको अपन क्या कहेंगे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और टॉन्सिल्स या लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू अस, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यह था पैलेट। दूसरा अपन देखते हैं टंग, जी इट इज मस्कुलर एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। यह एक पेशीय व मांसल संरचना है, मस्कुलर एंड फ्लेशी स्ट्रक्चर जो बकल कैविटी के फर्श पर स्थित रहती है ना, सिचुएटेड एट द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। It attaches to buccal cavity by a double membrane called ये एक फ्रेनुलम नामक दोहरी झिल्ली द्वारा, फ्रेनुलम नामक डबल मेम्ब्रेन द्वारा बकल कैविटी के फर्श से जुड़ी रहती है। अब देखेंगे यहां पर, देखिए टंग हैव वॉलंटरी मसल्स, इट हैव वॉलंटरी मसल्स, और अपन ये पढ़ चुके पहले कि वॉलंटरी मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर अटैच्ड विद बोन्स, बट द वॉलंटरी मसल्स ऑफ टंग डज नॉट अटैच विद एनी बोन। यानी हमारी जीभ में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक हैं, वॉलंटरी हैं, लेकिन ये किसी भी बोन से नहीं जुड़ी होती हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग have different type of papillae which have taste buds and posterior part have group of lymphocytes or tonsils, that tonsils are called lingual tonsils। तो देखे टंग को देखते हैं अपन, सल्कस टर्मिनल, टर्मिनल
लिंगुअल टॉन्सिल, देखें सर्कमवेलेट पेपिली, सर्कमवेलेट पेपिली, दे आर लार्जेस्ट इन साइज एंड 8 to 10 इन नंबर, सबसे बड़ी हैं और संख्या में 8 से 10। दे हैव टेस्ट बर्ड्स, नेक्स्ट दे आर स्मॉलेस्ट, फेलिफॉर्म पेपिली, न्यूमरस एंड टेस्ट बर्ड्स आर एब्सेंट। फंजीफॉर्म पेपिली, दे ऑल्सो हैव टेस्ट बर्ड्स। एक होती है फॉलिएट पेपिली, एब्सेंट इन ह्यूमन। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ पेपिली आर प्रेजेंट ऑन टंग ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के टंग पे 3 तरह की पेपिली हैं, कौन कौन सी? सर्कमवेलेट, फिलीफॉर्म और फंजीफॉर्म। बट ओनली 2 टाइप्स ऑफ पेपिली आर इन्वॉल्व इन डिटरमिनेट द टेस्ट ऑफ फूड। केवल 2 टाइप की, कौन कौन सी? सर्कमवेलेट और फंजीफॉर्म। अगर टंग के टेस्ट की बात करें अपन, तो देखिए यहां पर दिस पार्ट किसके लिए? स्वीट टेस्ट के लिए, मीठे के लिए। दिस इज फॉर साल्टी टेस्ट के लिए। ये खट्टे टेस्ट के लिए। बिटर यानी कड़वे टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब हमारी टिप किसके लिए है? मीठे टेस्ट के लिए। टिप के लेटरल में थोड़े से पार्ट हो साल्टी टेस्ट के लिए, लेटरल साइड खट्टे के लिए, और पोस्टरी साइड क्या है? बिटर या कड़वे टेस्ट के लिए है। ये हमारी टंग की कंडीशन है। अब टंग के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन क्लीनिंग टीथ, दांतों की सफाई में हेल्प करती है। नेक्स्ट हेल्प्स इन चिविंग द फूड, भोजन को चबाने में हेल्प करती है। हेल्प इन स्वेलोइंग फूड, भोजन को निगलने में हेल्प करती है। हेल्प इन स्पीच, बोलने में हेल्प करती है। हेल्प इन डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड,
भोजन के टेस्ट का ज्ञान कराती है। तो यहाँ पर देखिए टंग के फंक्शन क्या क्या हो गए, क्लीनिंग द टीथ, दांतों की सफाई में हेल्प करती है, चिविंग द फूड, भोजन को मोलर्स और प्रीमोलर्स नीचे चबाने में हेल्प करती है, भोजन को निगलने में हेल्प करती है, स्पीच बोलने में हेल्प करती है, डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, भोजन का टेस्ट को ज्ञात कराती है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिक्सिंग द सलाइवा इन फूड, भोजन में लार को मिक्स करने में हेल्प करती है, सलाइवा मिक्सिंग के अंदर ये हेल्प करती है। तो यह टंग। तो आपने देखा बकल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आ गई, नंबर वन फर्स्ट आपने पढ़ा पैलेट, नंबर सेकंड आपने पढ़ा टंग, टंग की स्ट्रक्चर, टंग के फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे टीथ एंड अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।